4 जून को एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस की जीत में पूरा मीडिया बिजी था और रिजल्ट्स के चक्कर में पूरा देश भी बिजी था। इस दिन एक और चीज के रिजल्ट्स रिलीज हुए, नीट एग्जाम के। बट इस बार रिजल्ट्स किसी को पसंद नहीं आए और बल्कि ये तो एक स्कैम हो गया। 649 मार्क्स बन रहे हैं और मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। पिछले साल इतने नंबरों पे टॉप कॉलेजेस मिल जाते थे और मैं 3 साल से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं कि कोटा में नीट के रिजल्ट से निराश एक छात्रा की खुदकुशी की खबर भी आज ही सामने आई है। So the only option I had is to go to the Supreme Court. पक्का है हम कि वाकई चीटिंग हुई। नीट जो कि मेडिकल करियर MBBS का इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम है, जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए JEE मेंस और एडवांस है IIT तक पहुंचने के लिए, वैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हर साल लाखों के नंबर्स में नीट के एग्जाम देते हैं डॉक्टर बनने के लिए, स्पेशली एम्स के लिए। नीट एग्जाम्स को पहले CBSE कंडक्ट कराया करता था, बट कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस साल लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दिया जो कि 5 मई को कंडक्ट किया गया। बट इससे पहले जब एनरोल करने की डेट अनाउंस की थी तो वो थी 9 मार्च तक, बट फिर वो डेट 16 मार्च तक कर दी गई। हालांकि पहले भी हुआ है, बट अगेन फिर 9 अप्रैल को NTA ने फॉर्म सबमिशन ओपन करे 2 दिन के लिए और स्टेटमेंट दी कि स्टेक होल्डर्स ने रिक्वेस्ट किया है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। स्टिल इस पर कोई खास ध्यान नहीं देता और फिर मई में नीट के पेपर लीक्स की न्यूज़ अलग अलग सोशल मीडिया पर चलने लग जाती है, जहां नीट के पेपर्स को दिखाया जाता है पर NTA से अप्रूव नहीं करता। फिर जिस दिन एग्जाम था 5 मई, उसी दिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें पेपर को दिखाया जाता है, बट उस टाइम उसी दिन पेपर स्टिल चल रहा होता है। तो किसी के पास पेपर पहले से कैसे आ गया? कोई स्टूडेंट पेपर लेकर सेंटर से बाहर चला गया, बट कैसे? क्या ये पहले से लीक हो चुका था? और कुछ क्लेम्स का कहना था कि ऑलरेडी टिक किए पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम वाले पेपर्स दिए गए थे, जिस पर NTA ने अगेन स्टेटमेंट दी कि राजस्थान में कुछ स्टूडेंट पेपर लेकर सेंटर से बाहर चले गए थे और NTA ने उन 120 स्टूडेंट का री एग्जाम भी कराया उसी दिन। उसके बाद भी कई पेपर लीक्स की न्यूज़ आने लगी। सेम डे को बिहार में 13 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है पेपर लीक्स के लिए और पता चलता कि उन्होंने वो पेपर्स लगभग 35 स्टूडेंट्स को एक दिन पहले ही 30 से 50 लाख तक में बेचे थे। फिर एक और इंसिडेंट होता है, NTA ने जो रिजल्ट्स 14 जून को रिलीज करने थे वो 10 दिन पहले इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन ही 4 जून को रिलीज कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि ध्यान सिर्फ इलेक्शंस पर ही रहे। बट सोशल मीडिया एक अलग चीज है। रिजल्ट्स में बहुत सी चीजें अजीब थी जो स्टूडेंट्स और टीचर्स को सही नहीं लगी। नीट का पेपर होता है 720 मार्क्स का, 180 क्वेश्चंस, एक सही किया तो 4 मार्क्स और गलत किया तो -1। इस बार जिनके पूरे 720 मार्क्स आए थे वो 3-4 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 67 स्टूडेंट्स थे। बट कैसे? क्योंकि लास्ट ईयर भी 2023 में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 मार्क्स आए थे। इस बार 67 स्टूडेंट्स और हरियाणा के एक ही सेंटर से लगभग 6 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले जिनके नाम पर कोई सरनेम भी नहीं था। अगेन एक और मिरेकल। और 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स मिले, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि 180 के 180 पूरे क्वेश्चन सही किए तो 720 और एक गलत किया तो 715 और एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 716 मार्क्स। पर 718-719 कैसे? इस पर NTA ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स लेट आए थे तो टाइमिंग्स के लिए उन्हें ग्रेस दिया गया, वो भी कई स्टूडेंट्स को। बट किस बेस पर ग्रेस दिया गया, कितने टाइम के लिए दिया गया और क्या सबको मिला, कोई नहीं जानता। और कई रैंक्स पर तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, जबकि एग्जाम देने स्टूडेंट थोड़ा ही नंबर्स में बढ़े हैं। फिर सेम रैंक्स वाले इतने कैसे बढ़ गए? और सिचुएशन इतनी खराब है कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को भी एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा चुकी है। इसमें सिर्फ यही प्रूव हो रहा है कि पेपर लीक्स हुए हैं और पूरी तरह से चीटिंग कराई गई है। NTA ने एग्जाम को बर्बाद कर दिया है। अब इसमें लॉस उन स्टूडेंट का हुआ है जिन्होंने बहुत मेहनत की थी कट ऑफ तक पहुंचने के लिए, बट अब वो लोग पीछे रह गए क्योंकि टॉप रैंक्स पर कई हजार स्टूडेंट्स हैं।